हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मेरा यूट्यूब चैनल रीना पीहू 15 में आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ और मैं हूँ रीना। आज हम चाउमीन रेसिपी बनाएंगे बहुत ही अलग तरीके से, जो कि आप सबको बहुत पसंद आएगा। तो चलिए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। चाउमीन को बॉईल करने के लिए हम यहाँ पे पानी गर्म कर दिए हैं। अब हम यहाँ पर चाउमीन ऐड करेंगे। देखिए चाउमीन हमारा बॉइल्ड हो चुका है। अब इसको हम छानेंगे, फिर चिल्ड पानी से इसको वॉश करेंगे। देखिए चाउमीन को हम वॉश कर दिए हैं, जब तक इसका एक्सेस पानी निकल रहा है। चलिए कढ़ाई गरम कर देते हैं। देखिए हम यहाँ पे कढ़ाई गरम कर चुके हैं। अब यहाँ पे ऐड करेंगे थोड़ा सा तेल। देखिए तेल हमारा गरम हो चुका है। अब हम यहाँ पे ऐड करेंगे कद्दूकस किया हुआ अदरक। अब हम यहाँ पे कटी हुई प्याज ऐड करेंगे। हम पहले से ही बताए हैं, ये जो चाउमीन हम बना रहे हैं ये बहुत ही अलग तरीके से बनेगा, वरना चाउमीन में कोई अदरक नहीं डालता है। ऐड करेंगे थोड़ा सा कड़ी पत्ता, कटी हुई हरी मिर्च, बारीक कटा हुआ गाजर। अब हमें यहाँ पे बारीक कटा हुआ कैप्सिकम को ऐड करना है। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। सारे चीज़ों को बहुत ज़्यादा नहीं भूनना है। टेस्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे नमक ऐड करना है और ऐड करेंगे थोड़ा सा हल्दी पाउडर। अच्छे से इसको मिक्स कर देंगे। देखिए ये जो वेजिटेबल्स है ये फ्राई हो चुका है। अब इसको हम निकाल लेते हैं। देखिए उसी कढ़ाई में ही हम ऐड करेंगे और थोड़ा सा ऑयल ऐड करेंगे, थोड़ा सा जीरा और एक चम्मच के करीब हम यहाँ पे अजीनोमोटो ऐड करेंगे। अब हमें चाउमीन को अच्छे से फ्राई करना है। अब हम इसमें थोड़ा सा नमक ऐड करेंगे। हम पहले भी वेजिटेबल में थोड़ा सा नमक ऐड किए थे, उसी हिसाब से आपको नमक ऐड करना है। देखिए चाउमीन हमारा फ्राई हो रहा है। अब हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर। अब हम इसमें ऐड करेंगे चाउमीन का हक्का नूडल्स मसाला। ऐसा धनिया पत्ता। अब हम इसमें ऐड करेंगे फ्राई किया हुआ वेजिटेबल्स। देखिए ये चाउमीन हमारा रेडी हो चुका है। अब हम इसको एक प्लेट में निकाल लेते हैं। देखिए चाउमीन बनके हमारा रेडी हो चुका है। अब इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा कटी हुई प्याज, थोड़ा सा धनिया के पत्ते और ऐड करेंगे थोड़ा सा टोमेटो सॉस। आप भी एक बार इसे घर में ज़रूर ट्राई करिए। अगर आपको हमारा रेसिपी का प्रोसेस अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू।